हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? तो आज जो है बिट्टी बना रही है सूप जान के लिए बकरे का। तो आज बिट्टी बनाएगी मटन का सूप, ठीक है, और उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करेंगे कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास मटन, सबसे पहले इसको डालते हैं प्लेट में। तो चलें जी, हम लोगों ने जो है ना ये गोश्त वोश निकाल लिया, इसको सबसे पहले हम करेंगे वॉश, और बिल्कुल ताज़ा तरीन गोश्त है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी के कच्चे गोश्त से कभी भी खुशबू नहीं आती, लेकिन इससे आ रही है। और आप देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। और ये सलाद का पत्ता है, ये भी मैं लाया हूँ। और हम बना रहे हैं आज मटन की यखनी, और उसके लिए क्या क्या करते हैं आपसे शेयर करेंगे। अब मैं जो हूँ मसाला बना रहा हूँ, बिट्टी गोश्त को वॉश कर रही है। इसमें हम डालेंगे अदरक, टमाटर, लहसुन और प्याज, ये बस चार चीज़ें ऐड करेंगे और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और काली मिर्ची और नमक ऐड करेंगे और हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का सूप बन के हो जाएगा रेडी। तो फाइनली मैंने यहाँ पे गोश्त धो के वॉश करके मतलब के रख दिया। तो जान मसाला बना रहा है, तो जैसे ही मसाला बनाती तो फिर मैं इसके अंदर डालती इसमें मतलब के और कुछ भी नहीं, हरी मिर्ची नहीं डालनी क्योंकि अब उसका फिर जायका आपको पता आएगा। तो अभी मैंने चूल्हा भी चला दिया है, यहाँ पे ये मसाला बना रहा है। बोला ऐसे डालना, मैंने बोला नहीं इसको। यहाँ पे जो है मैं मसाला बना रहा हूँ उसका सूप के लिए, सूप के लिए आ रहा हूँ। तू बना लेना फिर मैं तेरे आ देंगे। क्या यहाँ पे जो मसाला था वो मैंने काट लिया है, इसमें से अदरक जो लहसुन है उसको पीस लेंगे, बाकी जो है हम लोग ऐसे ही डाल देंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आ गए हम किचन में, और यहाँ पे हम प्याज और टमाटर जो है, ओहो बिट्टी ये क्या है? यहाँ पे जो है हम लोगों ने ऊपर रखा हुआ है गोश्त, अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज और क्या ऐड करेंगे? प्याज और टमाटर ऐड करेंगे, और बाकी जो अदरक और लहसुन है वो जो है कूट के बनाएंगे। और उसमें साथ ही हम बना रहे हैं कलेजी, बकरे की कलेजी, क्योंकि काफ़ी मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली, ठीक है। प्याज और टमाटर हमने ऐड कर दिए, और हम इसको हल्की सी आंच पे जो है ना, गैस कम हो गई है, गैस बहुत कम है, इस वजह से हमें काफ़ी मुश्किल, ये हल्की मुश्किल नहीं, ये हल्की आंच पे बनती है। हाँ, ये हल्की आंच पे गल जाता है ना। तो अब हम इसको कूट के ये वाला मसाला भी डाल देंगे, और आपने नमक डाल दिया? नमक नहीं अभी डाला। यहाँ पे जो है अब कूट रहे हैं मसाला, और मसाले में सिर्फ अदरक और लहसुन है। इसको यखनी बनानी थी इसलिए हरी मिर्ची नहीं डालनी, काली मिर्ची डालने का नहीं करना। हाँ, क्योंकि गले को पकड़ती है। हाँ, फिर अगर हरी मिर्ची डालें तो। चलिए जी, तकरीबन हमारा जो सूप है वो रेडी हो गया। अब हम डाल रहे हैं बीच में अदरक और लहसुन, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। गैस थोड़ी हो गई है तेज, और अब हम जो है इसमें भी वो रख लेंगे और बाद में हम एंड पे डालेंगे काली मिर्ची। जब कब मैं डालूंगी फिर ऊपर ऐसे ऐसे करके डालूंगी नमक। हाँ, काली मिर्च, ठीक है। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है खुशबू आ रही है। अभी अगर आप कम होगा तो कम है मेरे ख्याल में, थोड़ा सा होता है, तेज नहीं हो जाए ना फिर पिया नहीं जाएगा। तो इतना ज्यादा थोड़ी बोला था, मैंने बोला था थोड़ा सा और डालो, अब तेज हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप ही हो। मैं क्यों हूँ, थोड़ा इसको हिलाओ और इन बोटियों को हम खा जाएंगे, ऐसे ही डालो। हल्दी डाल रहे हैं, अच्छा एक कलर आ जाएगा और जबरदस्त लगेगा। अभी अम्मी काली मिर्ची कहाँ रखी है? गोश्त गल गया होगा? नहीं अभी कहाँ। हाँ, अभी इसको तकरीबन 10 से 20 मिनट और ऐसे ही रखना पड़ेगा ना, मतलब अच्छे तरीके 10-15 मिनट, मतलब गोश्त अच्छे से गल जाए, गल जाए, क्योंकि हमने आगे इसको नहीं पकाना, हमने ऐसा है नमक वाला वो जख्नी निकाल के भून के आपको जैसे ऑयली हो जाता नमक वाला गोश्त, वैसा बनेगा टेस्ट उसका। अच्छा वैसा बनाना है? हाँ। ठीक है, देख लो आप जैसे आपको सही लगे,
बाकी यखनी जो थी वो तो हमारी हो गई रेडी। देखें जी सूप हमारा हो चुका है रेडी। हल्की सी हमने डाली है हल्दी और इस पे हम डालते हैं काली मिर्च। बस बस बस, बस ज़्यादा नहीं। ये पूरी काली मिर्चें हम लाए थे, उसको खुद पीस के काली मिर्च बनाई है और बहुत ही मज़ा आने वाला है मुझे तो। ये जो है बिट्टी ने मुझे साथ में बोटियाँ भी निकाल के दी हैं नमक वाली, इन पर भी हम हल्की सी काली मिर्च डालते हैं। और ये सूप यहाँ पे जो है अम्मी के लिए भी सूप और बोटियाँ मैंने निकाल के दी हैं। ठीक है अम्मी अच्छे से खाना। हमारी कलेजी हैं वो हो चुकी हैं रेडी, अब करते हैं हम इसको टेस्ट। और बनाई है बाजी मारिया ने, टेस्ट करके देख जी। यखनी तो हमारी बन चुकी थी और कलेजियाँ भी जो है हमारी रेडी हो चुकी थी। देखें कितना अच्छा कलर है। अब देखें पहले लाइट नहीं थी जल्दी, इसको प्लेट में डाल के रखो, इसको रात को रोटी के साथ खाएंगे। और जो था हमारा गोश्त वो भी बोटियाँ खा ली, बस ये रह गया बोटियाँ। कितनी बोटियाँ, चार तो खाई है हम लोगों ने। वो तो क्यों कम हो गया ना, है ना बाजी? हाँ तो है तो कितना था, आधा किलो था। आधा किलो तो कम है। बाकी सूप वूप जो है अम्मी को निकाल के दिया, मैंने भी खाया। यहाँ पे जो है बिट्टी जो बोल रही थी मैंने जो है ना नमक मिर्ची डाल के सालन बना लेना है इसको, ऐसे ही है ना बिट्टी? उनके बिट्टी का जो दिल था वो सालन खाने का था और बिट्टी इसी का सालन बना रही है। ठीक है तो देखो काफ़ी अच्छी खुशबू और ज़बरदस्त आ रही है। हाँ देख लो जैसे आपको खाना है वैसा बना लो, आपके लिए तो बहुत है। बाकी कलेजियाँ भी पकी हुई हैं। बाकी जो अभी सब्जी है अम्मी लेके आई है गोभी, आलू गोभी वो भी बनाने लगी है बिट्टी है। हाँ जी वो भी बनाती है अभी। तो आपको कैसा लगा ये सूप? नहीं सूप तुमने इतना थोड़ा सा निकाल के दिया था, इतना बड़ा कप निकाल के देते और आप खुद तो पीते। तो यहाँ पे अब जो बिट्टी है वो बनाएगी आलू गोभी, लेकिन उससे पहले इसका साथ हल्का सा ऑयल डालूंगी तो वो ऑयल डालोगी और ये हरी मिर्ची भी तो डाल रही हो। हाँ, वो तो नमक भी डाल लेना, नमक थोड़ा कम था। जोया क्यों रो रही है? जोया जो है वो अपनी दादी से जो है छल्ली छीनने के चक्कर में है, तो दादी उसकी छल्ली उसको एक दी भी थी तो अभी और मांग रही है और इसको तो आप मिले ही नहीं आज। हाय हाय काका, काका नेहा 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 का भी ध्यान खाने पीने पे ही रहता है। तो चलें जी बाकी आज का ये खाना तो बनता ही रहेगा और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है लेकिन जो आज का ब्लॉग था वो यहीं तक था। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो, खूब सारा प्यार दे। तो हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना सैमी के बाल कटवाए जाएँ, क्योंकि इसके बाल जो हैं काफ़ी फजूल और काफ़ी अजीब हो रहे थे और इसकी सारी पेंसिलिटी ख़राब हुई थी। तो आज इसको बड़े ही प्यार से मैं मना के लाया हूँ कि चल तेरे बाल कटवाएं। ठीक है और ये यहाँ पे बाल कटवा रहा है। सैमी हाय कर दो। हाय।